हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो सारी वीडियो में मैंने जो जू बनाया है उस वो मैं आपको दिखाऊंगा सो कि मेरे जू में कितने प्राणी हैं, कितने एनिमल है। तो ये पहला वाला तो खाली है और दूसरा वाला जो है उसमें हमारे वाइट भालू है, वाइट बियर है, हमारे धोले काफ़ी अच्छे दिखाई दे। तीसरे के अंदर हमारे पांडा है और ये पांडा के अंदर हमारी शिप क्या कर रही है, हमारा घेटा वहाँ पर क्या कर रहा है, तो उसको जो हमने मार दिया है उसके जाते ही हमारी मुर्गी मूसी आ चुकी है। उसे भी हम यहाँ से बाहर निकाल दें, यहाँ से तो नहीं लेकिन दुनिया से बाहर निकाल दें माइनक्राफ्ट की। तो इस वाले के अंदर हमारे कांच भी है, आप देख सकते हो कि अभी तो फिलहाल वो तैर रहे हैं हमारे उनके तालाब के अंदर। और इस वाले के अंदर हमारे पोपट है, पंछी है, कलर कलर के काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे है, काफ़ी अच्छा दिखाई भी दे रहा है, उनका घर भी काफ़ी अच्छा है। और आप इसी एनिमल को ही मत देखना, एनिमल का जो घर है उसकी डेकोरेशन को भी आप देखना जो कि मैंने ही करी है। और इस वाले के अंदर हमारे जंगली गधेड़े है, और यहाँ इसके अंदर भी एक मुर्गी मौसी और हमारी शिप आ चुकी थी तो मैंने उनको भी दुनिया से उठा लिया है माइनक्राफ्ट की। और इस वाले के अंदर हमारे और से हमारा घोड़ा है, दो घोड़े है। और यहाँ तो पूरा खाली है, यहाँ पर एक चारवाहा है और वहाँ पर एक और हमारी कांडरू देखिए। और इस वाले के अंदर तो हमारे जो एक वहाँ पर दो वहाँ पर खड़े हो रही है, यहाँ पर साइड में कोने में खड़ा है। इस वाले के अंदर हमारे फॉक्स है जो यहाँ पर कोने में साइड में खड़े है, दो ही है हमारे शिप। और इस वाले के अंदर हमारी शिप है, शिप है ये वाले के अंदर। और ये वाले के अंदर हमारी बिल्ली मौसी है और अंदर एक पोपट भी है जो उड़ रहा है। और इस वाले के अंदर हमारी मुर्गी मौसी है जो कि यहाँ पर अंडे दे रही और रह रही है। और इस वाले के अंदर हमारी काव है और काव के अंदर एक शिप भी आ चुकी है जिसको हम माइनक्राफ्ट की दुनिया में से उठा लें, उसे यहाँ से बाहर कर दें पूरी दुनिया में से ही, तो हमने उसे भी मार दिया है क्योंकि ये सिर्फ काव का ही घर है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, इसलिए हम उसे भी मार दिया। यहाँ पर हमारे चीता है, ये चीता देसी बिल्ली है इसलिए मैंने इसका दूसरा अलग घर बना दिया है, इसलिए ये चीता देसी बिल्ली है। और यहाँ पर है हमारी मशरूम काउस, तो सिर्फ तीन ही है जो कि यहाँ पर मशरूम काउस है। तो ये है मेरा जू, आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताना। तब हम पहले तो मैं जो पुल का रास्ता है वो आपको दिखा दूँ, बारिश भी हो रही है जो मैंने मेरे घर से लेकर यहाँ पर जो ताली काने का जो रास्ता है वो मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से झारवे के ऊपर से यहाँ के झारवे की जो लीव्स होती है उसके ऊपर से जाने का और ये सब कुछ मैंने नहीं बनाया, सिर्फ नीचे की जो लेयर है एक ब्लॉक की वही मैंने बनाई थी, वरना तो यहाँ पर सब कुछ थी ही और लेडी तैयार थी। तो ये हमारा घर से लेकर जूता लिखाने का रास्ता है यहाँ पर। और यहाँ से हमारे भारत का तिरंगा भी दिख रहा है लेकिन अभी वर्षा हो रहा है इसलिए अभी जो नहीं दिख रहा है अंधारे का, तो सुबह हो जाएगी तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा हमारा भारत का तिरंगा, भारत की आन मान शान हमारी तिरंगा। तभी तो यहाँ ये है हमारा कुतुब मीनार जिसको मैं आपको अंदर से जाके भी दिखा देता हूँ। तो पहले तो हम सो जाते हैं अंदर जाके, अंदर एक पलंग भी है कुतुब मीनार में जो कि मैंने रखा है मेरे सोने के लिए, वाइट कलर का आप देख सकते हैं यहाँ पर खोने में पड़ा। तो गैस अभी तो रात नहीं हुई है इसलिए हमको सोना नहीं है क्योंकि रात ही नहीं हुई है, तब हम ऊपर चलते हैं हमारा ऊपर देखने के ऊपर से कैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है वो देखने के लिए हम ऊपर चलते हैं। मैं आपको थोड़ी देर के बाद ऊपर मिलता हूँ। और हाँ गाइस, आप कह रहे होंगे कि ये क्या है, मैं बता दूँ कि ये है दीवार
और इस दीवार के पीछे कुछ ऐसी चीज़ है कि शायद से वो चीज़ आपने कभी भी किसी के माइनक्राफ्ट के बारे में नहीं देखी होगी। मैं मेरे ही माइनक्राफ्ट के बारे में आप वो चीज़ को देखोगे। तो ये जो चीज़ है दीवार के पीछे, वो सिर्फ मैं आपको 50 सब्सक्राइबर्स होने की बात ही बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हाँ गाइस, मैं काफ़ी देर के बाद ऊपर चढ़ चुका हूँ, तो आप देख सकते हो कभी तो वर्षा हो रहा है, इसलिए सब कुछ क्लियर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारा तिरंगा दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है और काफ़ी अच्छा यहाँ से लुक भी आ रहा है हमारे तिरंगे का। और इधर से दूसरा कुछ तो नहीं दिख रहा है, वर्षा हो रहा है इसलिए यहाँ पर से तो जू नहीं दिख रहा है, वरना यहाँ से दिखता है। बारिश हो रही है इसलिए यहाँ से जू नहीं दिख रहा है, वरना तो यहाँ से दिखता है जू हमारा। तब मैं आपको कुतुब मीनार के ऊपर से डाइव मार के दिखाता हूँ, आप कभी भी डाइव मत मारना ऊपर से या कहाँ कहीं से भी, टाइम मारने से तो लग जाता है, लेकिन ये माइनक्राफ्ट है इसलिए मैं मार रहा हूँ। तो आप देख सकते हो बूम, मैं डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिरा हूँ, आपको कैसा नज़ारा लगा मुझे कमेंट में जाके आप बताना। तो आप देख सकते हो अभी तो रात, तो फिर भी रात नहीं हुई है, अभी भी बरसात चालू है और बरसात पड़ रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। बरसात पड़ता है तो मुझे मज़ा नहीं आती है, रियल लाइफ में तो बरसात पड़ता है तो मुझे मज़ा आती है, लेकिन माइनक्राफ्ट में बरसात पड़ता है तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आती है। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पर, हमारे घर है जो मेरा, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये है हमारा पुल घर पर जाने का, ये जो आप देख रहे हो ये है मेरा स्वीट ड्रीम हाउस, ये है मेरा ड्रीम हाउस माइनक्राफ्ट का जो कि मैंने बनाया है, ये है मेरा स्वीट होम। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बताना। और यहाँ से आप देख सकते हो कि इस मेरे घर के चार माले हैं, दो नीचे दो ऊपर, और यहाँ पर इसका हॉल है हमारे घर का, और अभी तो रात को हो चुके थे, अभी तो मैं सो जाता हूँ। और यहाँ पर जैसा घर है सामने ही वैसा ही सेम टू सेम घर की डेकोरेशन और घर है, ऊपर हमारा ये सब चेस्ट और पड़ी है, और सामने भी एक हमारा रूम है, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी ये सब कुछ पड़ा है। और यहाँ से हमारा तिरंगा कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, और कुतुब मीनार भी साइड में हमारा दिखाई दे रहा है, और ये है हमारा ताज महल जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, लेकिन मैंने काफ़ी वक्त भी लगाया था इसे बनाने को, और मैंने बना दिया आखिरकार हमारा ताजमहल। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा वाइट ताजमहल ही होता है ये हमारा, पूरा वाइट ताजमहल काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो ये कितना प्यारा हमारा ताजमहल लग रहा है, ये चारों बाजू से सेम टू सेम ही है, एक जैसा ही है चारों बाजू से, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से भी ऐसा ही है बिल्कुल, और इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी डिज़ाइन है इसकी, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है गाइस। तो दूसरी साइड से भी मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, दूसरी साइड से भी आप देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम ही है, ऐसा ही लग रहा है। तो भी और अंदर है हमारी कुर्सी जो कि मेरे बैठने के लिए है, और यहाँ पर सब कुछ प्रजाति और राजा को शिकायत करती है, मैं तो मजाक कर रहा था। और अब मैं आपको ऊपर जाके ऊपर का सब कुछ दिखा दूँ, ऊपर आप देख सकते हो एक हमारी बड़ी वाली गुम्बज है, साइड में दो छोटे गुम्बज है, और ये सब छोटे मीनारे हैं यहाँ पर, और बड़े चार मीनारे हैं ताजमहल के बाहर। हम देख सकते हो ये है हमारा ताजमहल, आपको तीनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी आप मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना। तो आपको ये वाला मुझे तो ताजमहल ज़्यादा अच्छा लगा सबने से। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।